एसएन मेडिकल कॉलेज के अतिथि भवन में मंगलवार की सुबह योग का कार्यक्रम किया गया, जिसमें एसएन मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ और मेडिकल छात्र छात्राओं को योग का महत्व बताया गया। साथ ही योग किस तरह जीवन में बदलाव लाता है, इस पर भी योग एक्सपर्ट ने प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि योग के जरिए सकारात्मक बदलाव किस तरह लाया जा सकता है। एसएन मेडिकल कॉलेज के अतिथि भवन में मंगलवार की सुबह योग का कार्यक्रम किया गया, जिसमें एसएन मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ और मेडिकल छात्र छात्राओं को योग का महत्व बताया गया। साथ ही योग किस तरह जीवन में बदलाव लाता है, इस पर भी योग एक्सपर्ट ने प्रकाश डाला। ये एसएन मेडिकल कॉलेज और एनएमओ आगरा ने जो योग दिवस पे ये प्रोग्राम कराया था, तो मैं सब लोगों को ये बोलना चाहूँगी कि आजकल जैसे कि लेडीज में इतना PCOS हो रहा है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हो रही है, महावारी की दिक्कत हो रही है, जो यंग गर्ल्स हैं वो काफ़ी मोटापा हो रहा है, और मोटापे होने से पीरियड्स की इरेगुलरिटी और PCOS, जैसे कि बॉडी में ज़्यादा बाल वगैरह आना, ये सब दिक्कत हो रही है, और उससे बच्चा न होने की समस्या भी हो रही है, यानी इनफर्टिलिटी की समस्या भी बढ़ रही है। तो हम इसमें योग अगर करते रहें, रेगुलर योग को अपनी लाइफ का पार्ट बना लें, तो इन सब चीज़ों से फ्रीडम मिल जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 का जो हम मना रहे हैं पूरा सप्ताह, उसी में आज भी उसी के क्रम में आज का दिन भी हमने ये मनाया, और हमारे योगाचार्य श्री परमजीत सरना जी आके उन्होंने सभी बच्चों और स्टूडेंट्स, फैकल्टी, स्टाफ सभी को आज योग कराया, और बहुत सारे आसन, लाफ्टर योगा और बहुत अच्छी जानकारियाँ दी योगा से। MBBS छात्रों का जो नया करिकुलम है, न्यू CBME करिकुलम, सो NMC की गाइडलाइंस के अनुसार अब हमें हर साल 12 से लेके 21 तारीख तक योगा कराना है सभी छात्रों को। एसएन मेडिकल कॉलेज में पिछले कई दिनों से योग क्लास लगाई जा रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की पहल पर 12 जून से एसएन मेडिकल कॉलेज में योग कराया जा रहा है। हर रोज नए नए योग के बारे में बताया जा रहा है। आज का योगा प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ, सरदार जी ने बहुत छोटे छोटे टिप्स बताए, स्पेशली जो आज की समस्याएं हैं, घुटनों का दर्द, स्ट्रेस, एंगर, एरोगेंसी, इनके बारे में विशेष रूप से बताया। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो उन्होंने बताई, लाफिंग। हर आदमी आजकल हंसना भूल गया है, मुस्कराना भूल गया है, तो लाफिंग जरूर होनी चाहिए। उससे हमारे फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होते हैं, हमारे फेस की जो मसल्स हैं उनमें एक अजीब सी ऊर्जा आती है, आभा आती है, ओज आता है, तो लाफिंग किया बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण बताया कि हम ऑफिस में काम करते हुए अपने को कैसे रिलैक्स कर सकते हैं, अपने एनर्जी लेवल को कैसे बढ़ा सकते हैं। योग सप्ताह यहाँ पे एक सप्ताह का चल रहा है। मैं यहाँ के SN के जो स्टूडेंट्स हैं उनको और जो सीनियर डॉक्टर्स को, उनको योग का बताने आया हूँ कि योग की इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि योग वाकई में तन का मन के साथ कम्बिनेशन है। और ख़ासतौर से डॉक्टर्स को आने वाले समय में, डॉक्टर्स जो है सर्जरी की से वैसे तो किसी चीज़ को मैं नहीं मानता कि हर चीज़ का योग से इलाज है, जहाँ सर्जरी होनी है, लेकिन जहाँ हम क्रोनिक ऐसी बीमारी हैं जो कि हम योग से ठीक कर सकते हैं, तो योग से हम ठीक करके उसे परमानेंट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसलिए दोनों का कम्बिनेशन है, जहाँ सर्जरी की जरूरत पड़े वहाँ सर्जरी, जहाँ हमारा योग से आराम मिल सकता है वहाँ योग। इस चीज़ का अगर दोनों का कम्बिनेशन डॉक्टर्स को पता होगा तो पेशेंट हमारा वक्त से पहले जल्दी ठीक हो जाएगा और अपनी लाइफ को अच्छे तरह जीवन जी सकता है। कार्यक्रम में योग एक्सपर्ट परमजीत सिंह ने विभिन्न प्रकार के योग आसनों का प्रशिक्षण दिया। उन्होंने बताया कि हमारे जीवन से तनाव को कम करने के लिए हास्य योग के साथ साथ विभिन्न प्रकार आसन किए जा सकते हैं। उन्होंने हास्य रोग के जरिए तनाव दूर करने का अभ्यास भी कराया। योग कार्यक्रम में डॉक्टर दिव्या श्रीवास्तव, डॉक्टर प्रीति भारद्वाज, हरेंद्र शर्मा आदि संकाय सदस्य एवं छात्र छात्राओं ने भाग लिया। योगा चित्र वित्र निरोधा, योग वो है जो आपकी चित्त की हानिकारक प्रवृत्तियों का निरोध करता है। 21 जून के दिन हमारे भारत में नहीं पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जाता है, क्योंकि नॉर्थ हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में 21 जून का दिन सबसे लंबा होता है। और आज का दिन ग्रीष्म संक्रांति भी कहलाता है, क्योंकि आज के दिन के बाद सूर्य दक्षिणायन हो जाते हैं। तो दक्षिणायन सूर्य जो है हमारी आध्यात्मिक और यौगिक क्रियाओं के लिए बड़ा ही अच्छा समय निर्मित होता है, और मानसिक तनाव, शारीरिक स्वास्थ्य के निर्माण के लिए योग से बढ़कर योगदान समाज में कोई दे नहीं सकता। मंगलवार को एसएन मेडिकल कॉलेज में NMO आगरा ब्रांच के साथ मिलकर योग कार्यक्रम किया गया, जिसमें NMO के चिकित्सकों ने भी कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया। सी न्यूज के लिए लक्ष्मीराज सिंह की रिपोर्ट।